The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what we are talking about corona. और कोरोना के बारे में आपने सुना ही होगा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज़ में आपने पढ़ा ही होगा भाई. न्यूज़ तो सभी देखते हैं, सभी बेवकूफ़ हैं, न्यूज़ देखते हैं. एनीवेज, सो कोरोना के बारे में सुना ही होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना यानी कि उससे बनी हुई बीमारी कोविड-19 को पैंडेमिक करार दे दिया है. ऐसा पैंडेमिक जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. सो सबसे पहली बात आती है कि पैंडेमिक होता क्या है, राइट. इन जनरल जो पैंडेमिक है वो एक कंटेजियस डिजीज है. कंटेजियस डिजीज होना जरूरी है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, वो पैंडेमिक हो जाएगा. नहीं, एक इंसान से दूसरे इंसान में एक लार्ज रीजन ऑफ अर्थ में जब वो फैल जाती है, मतलब एक दो से ज्यादा कॉन्टिनेंट में तो उसको हम, मतलब मल्टीपल कंट्रीज में, तो फिर उसको हम पैंडेमिक कहते हैं. पैंडेमिक, राइट. देर आर मदर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि एंडेमिक, एपिडेमिक, आउटब्रेक. देखो, एंडेमिक का मतलब है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इस ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं. ऐसी बीमारियां जो अफ्रीका में पाई जाती हैं तो वो अफ्रीका में एंडेमिक है. ऐसे जगह इंडिया में जहां डेंगू फैला होता है पूरे साल में, या जब भी आता है डेंगू आता ही आता है, तो डेंगू एंडेमिक है. आउटब्रेक का मतलब है जब वो एक एंडेमिक एरिया में, जब भाई इतने रेगुलरली दिखने वाली बीमारी खूंखार तरीके से फैलने लग जाए, मतलब ज़्यादा मात्रा में फैल जाए उस इलाके में, तो उसे एक आउटब्रेक कहते हैं. आउटब्रेक, जब आउटब्रेक से ज़्यादा मात्रा में उस पूरे के पूरे कंट्री में फैलने लग जाए या उस इस शहर में फैलने लग जाए, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं. एंडेमिक अलग है, एपिडेमिक अलग है, आउटब्रेक अलग है और पैंडेमिक अलग है. पैंडेमिक मतलब एक ग्लोबल एपिडेमिक, मतलब पूरे की पूरी दुनिया में फैल रही वाली चीज को कहते हैं. अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि ये एक पैथोजन है, ये वायरस है. नॉर्मली ये एपिडेमिक यानी पैंडेमिक बैक्टीरिया का भी हो सकता है. जब बात आती है पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है. और इस बार जो हमारे सामने है वो एक वायरस है. और जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को रेस्पिरेटरी रूट से, रेस्पिरेटरी रूट मतलब सांस की नली के थ्रू फैलाया जा सकता है. सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है मिलियंस एंड मिलियंस लोग इससे इन्फेक्ट हो, तो बिल्कुल होंगे. लेकिन याद रखिएगा, मिलियंस इन्फेक्ट होंगे लेकिन उतने मरेंगे नहीं. याद रखिए, मारने वाली बीमारी नहीं है, ये बीमार कर देने वाली बीमारी है. समझने वाली बात यह है, जी हाँ, इससे लोग मर रहे हैं, लेकिन वही मर रहा है जो बड़ी मुश्किल से जिंदा है, जो बड़ी मुश्किल से जिंदा है, बड़ी मुश्किल से ऑलरेडी क्रोनिक बीमारियां भरी पड़ी हैं. किसी को फेफड़े खराब है, कोई लंग कैंसर है, किसी को कोई बीमारी, किसी को बहुत सीरियस बीमारी, ऐसे लोगों को खतरा है. जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उनको कम खतरा, उनको होगा भी तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक भी हो जाएगा, ऐसा बहुत है. लेकिन फिर भी सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कौन चाहेगा कि आपको हो, आपको कुछ ना हो, लेकिन आप 10 लोगों में फैला दें, 1000 लोगों में फैला दें, उसमें से एक आध पर्सन मर जाए. सो इसीलिए इसको रोकने की कोशिश की गई थी. और रोकने की कोशिश जो हमारी चाइना में की गई थी, इसकी बहुत उम्दा और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की गई जो चाइना में इसको रोकने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली नहीं रोक पाए. वहाँ से आगे फैल गया और फैल जाने के बाद फिर कई सारी प्रॉब्लम्स देखने में आती है एक पैंडेमिक को लेके. जब भी हम किसी पैंडेमिक के जब किसी पैंडेमिक के चपेट में आते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, वो होता है डर, वो होता है सप्लाई चेन का रुक जाना, वो होता है इकोनॉमीज, आपके पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो होती है उस कंट्री, उस पूरे वर्ल्ड की, वो कमज़ोर हो जाना. और सबसे बड़ी दिक्कत होती है मिस इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूजन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैनिक जो दुनिया क्रिएट करती है एक दूसरे को डरा के, जो मीडिया क्रिएट करती है गलत इन्फॉर्मेशन दिखा के, और जो हम क्रिएट करते हैं गलत इन्फॉर्मेशन फैला के. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है पैंडेमिक में ये.
तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए एक पैंडेमिक के बारे में। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आते रहेंगे, ग्लोबली केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन केसेस के कंपैरिजन में अगर हम डेथ रेट देखेंगे तो ये उतनी खतरनाक डेथ रेट नहीं है जितने कि पहले एक सार्स वायरस था। ये भी सार्स वायरस है लेकिन उस वायरस से कम खतरनाक है, और इबोला वायरस था जो 50-60% केसेस में पर्सन को मार देगा, ये उतना खतरनाक नहीं है। ये 1-2% चांसेस हैं कि आपको कुछ होगा। पहले इस पे इस वायरस का भी नाम सार्स COV2 रखा, इस वायरस का नाम भी बेसिकली सार्स COV2 है, और इससे होने वाली बीमारी जो है उसको बोलते हैं COVID-19। है ये एक पोटेंशियल एपिडेमिक, पोटेंशियल पैंडेमिक है जो फैलेगा, और बताया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि ये जितना अब फैल चुका है उससे और ज्यादा 200 टाइम्स फैल सकता है, 200 टाइम्स और फैल सकता है, 200 गुना। तो मतलब क्या है, मतलब सब पैनिक करो? नहीं, मतलब सब पागल हो जाओ, एक दूसरे को मारो, ना मास्क पास पहन के अपने पास रख लो, नहीं, दैट इज रॉन्ग, राइट? तो देखो, जब भी ऐसा कोई पैंडेमिक होता है सबसे पहला काम होता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलने ना दिया जाए, जो चाइना में किया। जब वो नहीं हो पाता फिर भी कहीं ना कहीं से वायरस बाहर निकल जाता है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, आइसोलेशन, फिर पहचानना कि किसको हुई बीमारी। इसीलिए इंडिया में, बाहर की दुनिया में अब भी लोगों को पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन, किसी को 7 दिन के लिए, किसी को 14 दिन के लिए, ताकि वो दूसरों में बीमारी ना फैलाए अगर उनको है तो, और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, और जो जिनको हो जाती है बीमारी उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट देन ये देखना जरूरी है कि कौन ज्यादा बीमार हो रहा है, बिकॉज डेथ रेट इसकी ज्यादा नहीं है, राइट? इट्स नॉट अ न्यू वायरस, इट्स नॉट अ डेडली वायरस, बट इट विल गो अराउंड, फैलेगा, तो हमें इसको फैलने से रोकना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे बड़ा हमारे सामने टास्क है। तो क्या आपको मास्क पहनना चाहिए, सबको मास्क पहनना चाहिए? नो, जी नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में सब मास्क पहनने लग जाएंगे तो सब घबरा जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है जिसका कोई फायदा नहीं है। मास्क उसको पहनना चाहिए जिसके एरिया में फैल चुका है, 20-25% उस एरिया के लोगों को इन्वॉल्व हो चुका है तब, या फिर अगर आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां, जैसे एयरपोर्ट हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ऐसे जगह जा रहे हैं जहां पे पोटेंशियल पेशेंट्स हो सकते हैं, या फिर उन लोगों ने मास्क पहनने चाहिए जो इन लोगों को हैंडल करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोग, उनको मास्क पहनना चाहिए। और अगर आप मास्क पहनते हैं, जनरल पब्लिक मास्क पहन, कुछ सिंपल मास्क पहनना चाहिए, जो सर्जिकल मास्क है वो भी काफ़ी है, N93 मास्क उसको चाहिए जो एक्चुअल पेशेंट्स के पास जा रहा है, नोन पेशेंट, इसको कोरोना वायरस है, उसके पास जाके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको चाहिए वो मास्क। क्योंकि अगर आप सब खरीद के अपने पास रख लोगे तो उनके पास नहीं रहेगा जिनको चाहिए, जिनको देना है मास्क, जिनके पास होने चाहिए उनके पास ही मास्क नहीं मिलेगा, शॉर्टेज हो जाएगी। क्योंकि पैंडेमिक लेवल, मान लीजिए दुनिया की जितनी अरबों खरबों की जनता है उन सब के पास में मास्क अवेलेबल, इतने मास्क नहीं बने दुनिया में, ना बना सकते हैं जब पैंडेमिक होता है। तो इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि किसको मास्क पहनना है, कब मास्क पहनना है और कैसे पहनना है। गलत तरीके से पहनना ना पहनने के बराबर, जहां तक मास्क की बात है, समझ रहे हो? सो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको, वो है हाथ धोना। हाथ धोना, नाक मुंह को हाथ नहीं लगाना, दूसरों से हाथ नहीं मिलाना, वो मेन चीज है जो आपको करनी है इस बीमारी से दूर होने के लिए। और एक पैंडेमिक में अपने जो डेडलीस्ट से डेडलीस्ट वायरसेस होते हैं उससे भी लोग बाहर निकल चुके हैं। ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है कि बहुत ज्यादा डेडली, यानी ऐसी ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं जो 70 मिलियन, 75 मिलियन, 200 मिलियन लोगों तक फैल के करोड़ों लोगों को मार चुकी हैं। पहले जो डेडलीस्ट वायरसेस हो चुके, अगर आप रिसर्च में देखोगे, स्पैनिश एपिडेमिक, पैंडेमिक भी हुआ था एक पहले, जो 50 मिलियन लोगों को मारा था उन्होंने ग्लोबली। 50 मिलियन कितना बड़ा बात होती है, ये छोटा सा एक उसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए प्रिपेयर नहीं करो, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा आपको, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज सही जगह से लेनी है। पैनिक नहीं होने के लिए सही जगह से नॉलेज लीजिए, न्यूज़ व्यूज़ देखना बंद करें, अगर देखते भी हो तो सोचना
कि कौन सी बात सच है और कौन सा ये मसाला लगा के बता रहे हैं। ऑब्वियसली एक इंटेलिजेंट पर्सन इतना तो दिमाग लगा ही सकता है। सेकेंडली, अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने आप को कोई भी रेगुलर ग्रीन कॉटन मास्क जो आता है, जो ग्रीन सर्जिकल मास्क है, उसका इस्तेमाल करें। जब बाहर आप किसी भीड़ भड़ाके में जा रहे हो, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, अगर आप कहीं और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, अपने नॉर्मल घर में आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोहल्ले में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, राइट अपने वर्क एनवायरनमेंट में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल वहाँ पे किसी एक पर्सन को से ज़्यादा लोगों को हुआ है, अगर हुआ है तब पहने, राइट दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। जी हाँ, स्कूल कॉलेज चीज़ें बंद हो रही हैं, बंद कर रहे हैं लोग ताकि ये और ना फैले, राइट तो आपको ये देखना है, हो सकता है आगे दुकानें बंद हो, हो सकता है आपके घर में राशन ना हो, तो कुछ दिनों का राशन भर के रखें, एक दो हफ्ते का राशन भर के रखें। दैट इज काइंड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अ पैंडेमिक विच यू नीड टू डू। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचना और ये नॉर्मल चीजें करना जो जरूरी है, जो जरूरी है, राइट अब हो क्या रहा है कि यहां पर कोरोना वायरस एक कोल्ड कर रहा है और यहां ये तक प्रिडिक्ट कर रहा जा रहा है कि 40 से 70% एडल्ट को पूरी दुनिया में इन्फेक्ट होगा इस वायरस का, राइट लेकिन ज्यादातर लोग यानी 80-90% लोगों को डेडली इन्फेक्शन नहीं होगा, मरेंगे नहीं। सो कोरोना वायरस को फैलने से रोकिए ताकि आपके जो एल्डर बड़े बूढ़े हैं, जो एक्चुअली उस तरीके से बीमार है जिनकी डेथ हो सकती है, उनके पास ये ना पहुंचे। जो बच्चे जो बीमार हैं उनके पास ये, बच्चों को ये नहीं छुएगा अगर बच्चों को सही मात्रा में इम्यूनिटी है, सही तरीके से आपने वैक्सीन दी हुई है। याद रखिए, राइट बच्चों को उनके टाइम के थ्रू वैक्सीन दीजिए। फ्लू शॉट आ रहा है, वो फ्लू शॉट लगवाइए, सबको लगवाइए। वो फ्लू शॉट इस वायरस के लिए नहीं है, लेकिन एक फ्लू हो जाना, किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, किसी को नॉर्मल फ्लू हो गया, तो उसको उसी समय डबल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे इस वायरस से। तो भाई साहब, अपने आसपास के लोगों को फ्लू शॉट लगवाइए। क्वाड्री फ्लू शॉट आ चुका है, पहले ट्राइवेलेंट फ्लू शॉट था, अब क्वाड्रीवेलेंट आ चुका है। क्वाड्रीवेलेंट इज मच बेटर, राइट एक वैक्सीन लगा लेना कोई बुरी बात नहीं होती। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पैंडेमिक, अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। आई होप यू अंडरस्टूड। भैया इसको शेयर करना जरूरी है, लाइक करके शेयर करिए, और कोई भी सवाल है आप नीचे लिखिए। ऑलरेडी हमने कई वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर और ऐसे वीडियो और आएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपके सवाल जो भी बचते हैं, क्योंकि उल्टे सीधे वीडियोज डालने वाले बहुत हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।